أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى का शुक्र है कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 20 की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया इसका यह है कि ईमान लाने वालों अल्लाह उसके रसूल अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहो और उनका हुक्म सुनने के बाद उससे मुँह न मोरो आयत का मतलब बहुत वाज है कि अल्लाह से तुम्हारा रबता हमेशा रहे उसको उसवाग रखो और क़यामत को हमेशा याद रखो क़यामत के दिन से के लिए अफसोस का दिन होगा सुबह पक् कि आयत नंबर 167 أيضاً. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبغى منهم كما تبغوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اس وقت کچھ دوسروں کی और इतबा करने वाले लोग कहेंगे काश हमें दोबारा दुनिया की तरह पलटा दिया जाए तो हम उनसे उसी तरह दुखी इख्तियार करेंगे जिस तरह आज ये लोग हमसे जान चुका के भाग रहे हैं आज खुदा उनके अमाल को उसी हसरत अफसोस की सूरत में पेश करेगा और हरगिज़ उन लोगों में से कोई आतिश जहन्नम से छुटकारा पाने वाला नहीं है बुरे लोगों के साथ उठना बैठना उनकी सोबत की वजह से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं दीन से मुतनफ़ हो जाते हैं उनके इत में बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं इसलिए ख़्याल रखना चाहिए कि हम किसकी की सोहबत में बैठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं अपनी औलाद के बारे में भी देख हमें होशियार रहना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है किन लोगों की सहबत में रहता है सहबत के असर बहुत जल्दी इंसान कबूल करता है क्यामत के दिन आमाल में कोताही करने वालों के लिए हसरत यास का दिन होगा सुबह जुम्मो की आयत नंबर छप्पन में शाद होता है या हसरत फ़रतो फ़ी जमिल्ला वनकुन तो लमिन ये सब क़ानून इसलिए है कि कियामत के दिन कोई ये ना कहे कि आज मुझे अफ़सोस हो रहा है कि हुक्म खुदा की तात में कोताही की अगरचि मैं मज़ाक उड़ाने वालों में से था इंसान को अपनी कमाई की तरफ भी तोज्जो रखना चाहिए कि उसकी कमाई हराम ना हो मौलाम फरमाते हैं नकालन तो जो तफसीर है उसकी पहली जिल्द में सफ़ा एक सौ बावन पर ये मौलाम का फरमान मौजूद है कि यकीन गोज़्यामत लोगों के लिए हर्षो यास का दिन होगा कि कोई शख्स खुदा की नाफरमानी करके माल हासिल करे और दूसरा उस माल से एक इर्ष लेकर उससे गाय खुदा में खर्च करे कि जिसके सब व दाखिल बेहत हुआ और जिसका माल था वो उसी माल के सबब दाखिले जहन्नम हो ऐसा मोहतरम कुछ वक्त बचा है तो मैं ब्याहुलवा की जल्द इक्यानवे सफ़ा एक सौ छप्पन पर जो इस्तारे की दुआ लिखी है वो मैं पढ़ देता हूँ इबन अभी याफू कहते हैं कि मैंने हजरत इमाम जाफर सातम से सुना कि आप शान में फरमाया इस्तारा करते वक्त अल्लाह ताली की अज़मत वजूगी और हमद बयान करो हजू के पाक सल्ल व पर दूध भेजो फिर तीन मरतबा दूध पढ़ कर ये दुआ मांगो और इस दुआ के बाद तीन मरतबा दूध पढ़ो उसके बाद तस्वीर को कहीं से भी पकड़ लो दो दो गाने दो दो दाने अलग करो आखिर में अगर एक दाना बच जाए तो उस नीयत पर जो तुमने की अमल कर लो और अगर दो दाने आए तो अमल न करो ये दुआ है इस तखारी की अल्ला इन्नी असलों का بأنك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وأنت علام الغيوب أستغفر الله برحمته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته